हेलो दोस्तों, सब आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला में। आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेस्ट बंगाल ईसाई के एग्ज़ाम के बारे में। हम लोग इसके एग्ज़ाम प्रोसेस, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी चीज़ों को देखेंगे। पहले आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या आपको किन किन स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा, फिर आपको पीएमटी और पीटी देना पड़ेगा, उसके बाद आपका टायर टू एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि टायर वन के सिलेबस के बारे में। टायर वन का सिलेबस किस प्रकार का है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है और उसके पेपर किस लैंग्वेज में आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टायर वन में आपको जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहेंगे, तो इस तरह वह उसका मार्क्स टोटल मार्क्स हो गया 100 मार्क्स। उसी तरह रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन 2 2 मार्क्स के रहेंगे, तो इस तरह हो गए टोटल क्वेश्चन 100 हो गए और टोटल मार्क्स 200 हो गए। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और पेपर 2 लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश में और बंगला में। आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे और नेगेटिव मार्क्स रहेंगे 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन रद्द करने पे आपका 1/4 नंबर माइनस हो जाएगा। आइए अब आपको ले चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन का लेवल था, उन सभी बातों पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल एसआई के 2018 के क्वेश्चन पेपर को खोले हैं। इसमें आपको हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे और क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहले आप लोग एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन को रैंडमली अरेंज किया गया है, मतलब कुछ क्वेश्चन मैथ के, फिर जीके क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर मैथ, जीके, रीजनिंग, मतलब ये रैंडमली क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। आइए हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, तो इसका आंसर हो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। आप लोग के सुविधा के लिए हम लोग राइट साइड में क्वेश्चन को आंसर मार्क कर दिए, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से जिन लोगों को डर लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एग्रोफोबिया। हम लोग इसमें सिर्फ जीके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अब अगला जीके क्वेश्चन के पास आपको ले चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें पूछा गया है कि साइखो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा वेट लिफ्टिंग, वे वेट लिफ्टिंग खेल से बिलोंग करती है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, नबार्ड किससे संबंधित है, तो पहले जानिए कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप इसके फुल फॉर्म से देख सकते हैं कि यह रूरल डेवलपमेंट बैंक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, रूरल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया है कि किस रुपये के नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ₹1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कितने महीनों तक
राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मंथ तक। उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीनों तक राष्ट्रपति के पदभार को संभाल सकते हैं, उसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है, विच CPMF CAPF गार्ड द इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर पे कौन से फोर्सेस तैनाती रहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ITBP। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ITBP। ITBP के जवान इंडिया चाइना बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। इनका फुल फॉर्म हो गया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना को संशोधित किया गया? तो इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था। होप करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बीच बीच में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है? तो भारत का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। बोला गया है, राफेल नडाल जो कि एक टेनिस प्लेयर है, वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्पेन। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेटेड इन वरुण 2018 ए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज ऑन द अरेबियन सी। वरुण 2018 किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास है? तो इसका आंसर होगा इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलैम्प्स ऑफ कार, जो कार का हेडलैम्प्स होता है उसमें कौन सा मिरर रहता है? तो इसका आंसर होगा पैराबोलिक कनकेव मिरर। इसका आंसर होगा पैराबोलिक कनकेव मिरर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज ओन द ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड 2018। ग्लोबल वुमेन लीडरशिप अवार्ड 2018 किस पर्सनालिटी को दिया गया? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड 2018 दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द कोड नेम ऑफ द एटोमिक बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा? तो इसका आंसर होगा लिटिल बे। कोड नेम क्या था? लिटिल बे, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था। कब यह अटैक कब हुआ था? ये हुआ था 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे अमेरिका ने एटॉमिक हमले किए थे। आगे देखते हैं, द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू स्टडीज ऑफ फॉसिल्स इज, फॉसिल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी। वी हु अमंग द फॉलोइंग बिकम ए मेंबर ऑफ द दीन ए इलाही, कौन दीन ए इलाही का सदस्य था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजा बीरबल। राजा बीरबल दीन ए इलाही के मेंबर थे। द ओनली प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सोलर सिस्टम का इकलौता ग्रह कौन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा वेनस एंड यूरेनस। वेनस और यूरेनस दो ऐसे प्लानट हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट्स करते हैं, बाकी जितने भी प्लानट्स थे सभी वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट्स करते हैं, एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट्स करते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, ये आप सभी लोगों को पता होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया, तो इसका आंसर होगा 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया।
आगे देखिए, अंडर विच आर्टिकल कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 368।